यहां से उतारिएगा आप लोग, ठीक है ना। भारत की सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन, भारत की सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन। बिंदु कन्याकुमारी और आगे है तो छूट गया आपको। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी में स्थित कैमोरिन की खाड़ी, कैमोरिन की खाड़ी है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक दो लेक्चर छूट गया है तो आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, समझे ना, जब एडमिशन होगा ना तो आप लोग सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, या तो फिर हम क्लास रिपीट करेंगे, दुर्गा पूजा बार एक बार रिपीट कर देंगे। करें हम लोग बात, बात करें तो एक बार लिखिए, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई, भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,200 किलोमीटर है। बाईस हजार दो सौ किलोमीटर सॉरी सॉरी 22,800, 22,863 किलोमीटर है, 863 किलोमीटर है, जिसमें जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई, जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसमें स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसमें असली सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, इसमें सात देश 14 राज्य, सात देश 14 राज्य एवं दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, एवं दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। स्थित हैं
जबकि सागरीय सीमा की लंबाई, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, स्थित हैं 7 देश, 14 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। एक बार यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। 7 देश में बताए थे कौन कौन, तो आप लोग उस मैप में अपना करते जाइए, पहला उस मैप में भरिए। देखिए पहले यहां भरिए पी, केवल पाकिस्तान लिखिएगा, पी पी ऊपर में ए, पहला पी, दूसरा ऊपर में ए, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, इसके बाद ची, सी एच चाइना, सी एच चाइना, तुम भर लिया शाबाश। इसके बाद यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नेपाल, एन, यहां पर नेपाल बेटा, नेपाल देखो ब्रैकेट किया होगा, नेपाल। इसके बाद इधर भरेंगे भूटान, बी एच भूटान, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला जो है बड़ा सा पोर्शन, इसको कहेंगे म्यांमार, एम म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं, एम म्यांमार, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 7 देश जो हैं भारत के स्थलीय सीमा में लगे हैं, क्लियर है। और 14 राज्य बहुत बड़ा है, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार हम केवल, अब आप लोग अपने घर में करिएगा इसको, 14 राज्य कल देखते जाइएगा। तो 14 राज्य में पहला गुजरात आएगा क्या स्थलीय सीमा में? नहीं आएगा। तो स्थलीय सीमा में राजस्थान लिखना नहीं है, अब कल देखते जाना है। राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। ये 14 राज्य जो हैं वो सब क्या हैं? स्थलीय सीमा में लगे हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया? तो एक लद्दाख और दूसरा जम्मू, लद्दाख और जम्मू जो स्थलीय सीमा में लगे हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज कीजिए, अगला लिखिएगा। सागरीय सीमा, सागरीय सीमा डैश, भारत की सागरीय सीमा की लंबाई, भारत की सागरीय सीमा की लंबाई, भारत की सागरीय सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है, जिसमें जिसमें मुख्य भूमि की सागरीय सीमा की लंबाई, जिसमें मुख्य भूमि की सागरीय सीमा की लंबाई, जिसमें मुख्य भूमि की सागरीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, इकसठ सौ किलोमीटर है, कोई दिक्कत? मुख्य भूमि के सागरी सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर, और सागरी सीमा की लंबाई कितना है? 7500। यहां तक है। अब आते हैं थोड़ा सा और टेंशन लेंगे। जब समुद्र में आप जाइएगा ना, तो 3 प्रकार का हमको सीमा मिलेगा, और एक और है तीन सीमा। देखिए ध्यान से समझना, समुद्र में जब आप जमीन पर खड़े हैं और एक पैर पानी में है, इसको तटीय सीमा की लंबाई कहते हैं, तट, तट कहते हैं, मतलब एक पैर पानी में एक पैर जमीन में, तो इसको तट रेखा कहते हैं। तो तट रेखा की लंबाई आपको दे दी है। अब आगे चलते हैं, समुद्र के अंदर में नागरिकों का प्रवेश 12 नॉटिकल मील तक होता है, कितना? 12 नॉटिकल मील तक होता है, इसको प्रादेशिक सीमा कहते हैं। आपसे डायरेक्ट सुन पूछेगा कि भारत का प्रादेशिक सीमा कितना नॉटिकल मील है, तो 12 नॉटिकल मील, मतलब इस जब आप समुद्र में जाते हैं कहीं पर, तो छलांग मार के नहाते हैं ना, तो जो नहाते हैं उसको कहते हैं प्रादेशिक सीमा। आप वहां से प्रदेश का सीमा में है, आप आराम से नहाइए, जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील होता है, इसमें मछुआरा जाता है, मछली पकड़ता है, 24 नॉटिकल मील, ये क्या है 12 नॉटिकल मील, समझ में आ रहा है? 12 नॉटिकल मील में सिविलियन जाता है, आराम से नहाता धोता है, हम लोग जो मस्ती करते हैं, 24 नॉटिकल मील में जाके मछली उछली पकड़ता है मछुआरा लोग, अंदर में थोड़ा सा और चल गया। अब आता है इसके आगे अगर गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, या तो आप श्रीलंका वाला पकड़ के पुलिस ले जाएगा,
या पाकिस्तानी पुलिस ले जाएगा, इसके आगे आपको बिना प्रोटेक्शन का नहीं जाना है। इसके आगे सभी का 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र कहलाता है संलग्न आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है जो संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, वो सभी देशों के लिए है। म्यांमार भी इधर दावा करेगा, श्रीलंका भी दावा करेगा, इधर पाकिस्तान भी दावा करेगा। अगर आप बिना प्रोटेक्शन का गए वहां पर, केवल संलग्न आर्थिक क्षेत्र मतलब आर्थिक संसाधनों का दोहन करने के लिए, दोहन कौन करेगा, सरकार करेगा या तुम करेगा? सरकार ना करेगा। तो सरकार अपना प्रोटेक्शन के साथ, सेना के साथ भेजता है वहां जाके, वहां से संसाधन, जैसे आपका रिलायंस, रिलायंस अगर पेट्रोलियम निकाल रहा है तो मुंबई हाई से निकाल रहा है जो 200 नॉटिकल मील के अंदर में है, जाके वहां से सरकार, रिलायंस अपने निकालता थोड़ी है, सरकार की परमिशन से जाके निकाल रहा है। क्लियर है? तो सिविलियन का जाना प्रतिबंधित है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे पाकिस्तानी भारत के मछुआरों को ले गया, क्यों? क्योंकि यही 24 नॉटिकल मील को पार कर जाता है। जहां पार कर गए उसके बाद पाकिस्तानी हो या जहां अकेले भटक रहे, बधार के ले चल जाएगा। चल, इसलिए आपको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाना है ताकि वो आपको अरेस्ट नहीं करे, या पाकिस्तानी भी मछुआरा आ जाएगा ना तो भारत अरेस्ट करके ले आएगा। 24 नॉटिकल मील के आगे नहीं जाना है। तो तीन प्रकार का समुद्री सीमा है, कोई दिक्कत बेटा? पहला 12 नॉटिकल मील सिविलियन के लिए, 24 नॉटिकल मील मछुआरा के लिए और 200 नॉटिकल मील सरकार के लिए, तीन अलग अलग स्तर पर है। तो यहां पर नोट करके लिखते हैं, भारत की समुद्री सीमा तीन स्तरों पर विभाजित है। भारत की समुद्री सीमा तीन स्तरों पर विभाजित है। भारत की समुद्री सीमा तीन स्तरों पर विभाजित है। हाँ नेहा, समझ में आ रहा है? नेहा गुप्ता, भारत की समुद्री सीमा तीन स्तरों पर विभाजित है। पहला लिखिएगा प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा तटीय सीमा से, तटीय सीमा से, तटीय सीमा से, हाँ उसी में बेटा प्रादेशिक सीमा डैश करेगा। तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर का क्षेत्र, तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील समुद्र के अंदर का क्षेत्र, क्षेत्र प्रादेशिक सीमा कहलाता है, के अंदर का क्षेत्र प्रादेशिक सीमा कहलाता है। यहां पर आम नागरिकों द्वारा, भ्रमण किया जाता है, आम नागरिकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। जैसे जमीन पर हम लोग दूरी को नापने के लिए क्या कहते हैं, किलोमीटर, जमीन पर किलोमीटर कहते हैं, समुद्र में दूरी को नापने के लिए क्या कहेंगे, नॉटिकल मील। क्लियर है? स्थल पर किलोमीटर, समुद्र में नॉटिकल मील। तो नोट करके लिखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, ठीक है ना? ये नोट करके लिख ले, याद पूछता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.8 किलोमीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं, प्रादेशिक सीमा हो गया, उसके बाद लिखिएगा संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तुम लोग दिक्कत नहीं ना हो रहा है? आप लोगों को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबका? संलग्न क्षेत्र तटीय सीमा से, तटीय सीमा से, तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को, तटीय सीमा से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को सॉरी कितना, 24 लिखा है ना, 24 12 लिखा दिया क्या, 24
तटीय सीमा से 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को, 24 करना 12 की जगह, 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं, कहते हैं। यहां मछुआरा द्वारा मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। यहां मछुआरों को मछली पकड़ने, मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। यहां मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, संलग्न आर्थिक क्षेत्र, तटीय सीमा से 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को, 200, ठीक है ना, संलग्न आर्थिक क्षेत्र में आए ना, तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यह क्षेत्र सरकार द्वारा, यह क्षेत्र सरकार द्वारा आर्थिक दोहन के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, आर्थिक दोहन के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, आर्थिक दोहन, आर्थिक दोहन, दोहन मतलब, दोहन मतलब क्या कहते हैं, यूज करना, उपयोग करना, बात समझे ना, जैसे आप संसाधन का दोहन कर रहे हैं, मतलब आप उपयोग कर रहे हैं संसाधन का, उपयोग करना, यह क्षेत्र सरकार के आर्थिक दोहन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब फिर से एक बार हम समझाते हैं क्या क्या आज पढ़ाए हैं, चलें अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग आज के क्लास में पढ़े हैं भारत की सीमा रेखा, हम भारत की सीमा रेखा का कुल लंबाई हम बताएं कि 22,863 किलोमीटर है। इसमें दो प्रकार के सीमा रेखा मिलता है, एक स्थलीय सीमा होता है या तो सागरीय सीमा होता है। स्थलीय सीमा में तो कोई लफड़ा नहीं है, उसका किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर। इसमें 7 देश मिलेगा, 14 राज्य मिलेगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, कोई लफड़ा नहीं। जब हम समुद्र में जाएंगे तो लफड़ा बढ़ जाएगा, समुद्र में हमको अलर्ट रहना है। तो समुद्र में दो टाइप का सीमा मिलेगा, एक तो या तो भारत का ये पूरा सीमा मिलेगा जो मुख्य भूमि कहलाता है, भारत की मुख्य भूमि की सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, भारत की सीमा की लंबाई 7500 किलोमीटर। इसमें हमको क्या मिलेगा, तो 2 देश मिलेंगे, 9 राज्य मिलेंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, ये हम लोग जाने। अब जब समुद्र में बढ़ेंगे तो समुद्र में 3 टाइप का सीमा का विस्तार हो जाता है, एक तो तटीय सीमा है ये है, दूसरा 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम लोग प्रादेशिक सीमा कहेंगे, फिर 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को हम लोग कहेंगे संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहेंगे संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये सब क्लियर हो गया। पानी में गई, अगर कोई पाकिस्तानी पकड़ के ले गया तो समझ जाना कि हम पार हो गए 24 नॉटिकल मील। पानी में तो किलोमीटर सरकार बैरियर लगाता है ना, अब उतना दूर काले जाएगी, तुम तो यही लगता है 10 मीटर में डूबी जाओगी, तो उधर काले जाओगे मरने के लिए उतना दूर, तो नहीं जाना है। अब वो मछुआरा लोग चल जाता है, गलती से चल जाता है, वहां को समुद्र में बाउंड्री थोड़ी लगा हुआ है कि भैया ये 200 नॉटिकल मील है, तो लगभग बच के रहना पड़ता है। वो तो अथिम बताता है ना बोट में, किलोमीटर बताता है ना कि भैया कि हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो घर से जब जीरो करोगे तो जहां जाओगे किलोमीटर बताएगा, तो इसी बोट वाला भी जब चलता है तो उसका मीटर बताता है कि भैया आगे हम लोग 23 नॉटिकल मील था, उधर ही रहो, जहां पार कर गया तो नहीं। हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि पाकिस्तानी ले गया 200 मछुआरों को, 300 मछुआरों को ले गया, तो ले जाता है इसी पार हो जाता है, तो पार क्यों हो जाता है, क्योंकि लालच में वहां उधर मछली ज्यादा मिलता है, क्योंकि सब तो इधर ही मार रहा है, देखेगा अरे कोई नहीं चल उधर जल्दी लपक के आए तो तक पकड़ा जाता है, तो ऐसे ही वो लोग भी करता है, ठीक है ना। वहां पर अगर भारतीय पुलिस पहुंच गया तो पाकिस्तानी को पकड़ लेगा, अगर पाकिस्तानी पहुंच गया तो भारतीय लोगों को पकड़ लेगा, कोई भी पहुंचेगा तो पकड़ लेगा, क्यों, बदमाशी है,
बात समझे ना, आप कुछ क्राइम करके बैठे हैं तो कोई थाना मिलेगा, वो दबोच लेगा, अरे बाबा इसमें इस गाड़ी में दारू रखा हुआ है, चल कहीं का दबोच लेगा, उसको पैसा निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग चैप्टर चलते हैं, भारत के पड़ोसी। चले चलो बेटा, हेडिंग डालिएगा भारत के पड़ोसी। अब सवाल आता है कि भारत के कितने पड़ोसी, चलिए भारत के पड़ोसी। तो अभी हम लोग सिंपल पढ़े तो भैया स्थलीय सीमा में कितना पड़ोसी मिला था, सीमा में 7, सागरीय सीमा में कितना मिला था, 2, तो टोटल पड़ोसी कितना, 9, 7 और 2 9। गलती से ये एकदम ध्यान देकर सुना, किताब में लिखा है भारत के 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से लगे हैं, बस छोड़ दिया, चुप हो गया। अब आप बच्चा से पूछा भैया भारत के कितना पड़ोसी, तो वो याद रखता है वही 7 को, वो तो बोला 7 स्थलीय सीमा में लगे हैं, 2 तो बचा हुआ है जो नीचे में है। तुम्हारे कितने दोस्त क्लास में, तुम्हारे कितने दोस्त भैया, 2 4 जो होगा, तुम्हारे कितने दोस्त, 100 गो दोस्त, तो संख्या 100 के बारे में पूछ रहा है, बात समझा ना, क्लास के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो स्थलीय सीमा में भारत के 7 ही पड़ोसी देश है, सागरीय सीमा में 2 है, टोटल बोलेगा तो बाबू 9 बोलना। अब आगे चले, अभी मत लिखो बेटा, पर अभी मत लिखो सुषमा, क्या नाम बताई थी, वही वैसी दिख रही है ना, वैसे ही दिख रही है, लुक गेटअप अपना वैसे ही तैयार कर दिया है क्या, सुष्मिता स्वराज जैसा है, नहीं वही ना है, एक्टर है सुनना है ना, सुष्मिता क्या नाम है, सुष्मिता तुम्हारा नहीं, वो जो एक्ट्रेस है उसका, सुष्मिता सेन है ना, देखो सुष्मिता स्वराज भी है ना, कोई स्वराज नेता का क्या नाम था, अरे जो नेता डेट कर गई अभी, बहुत अच्छा बीजेपी की नेता थी, नहीं मालूम तुम लोग भी, हमको भी नहीं मालूम, छोड़ो अभी एक्सपायर कर गए, बहुत अच्छा नाम था उसका, विदेश मंत्री भी रहे हम लोग का, सुष्मिता स्वराज नाम था, स्वराज नाम था ना, ये वो सेन है, ये वो स्वराज है। चलिए तो असली सीमा में 7 है, तो देखते हैं अब इसमें आपसे क्या क्या सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि बाबू बताओ कि स्थलीय सीमा में जो 7 पड़ोसी देश हैं कौन कौन है, तो आपको 7 याद रखना है। दूसरा पूछ रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा का सीमा भारत का किसके साथ साझा हो रहा है, भारत का स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ साझा हो रही है, कौन बोलेगा, देखो नकल मारो, ऑप्शन कुछ तो ऑप्शन मिल ही जाएगा, 3 गो हो गया, देखो सबसे लंबा किसके साथ साझा हो रहा है भारत का, किसका, दिख तो रहा है चीन, दिख रहा है मगर चीन नहीं है, तो इसका एक ट्रिक है, इसका ब च प ना, बचपन में MBA, नाम सुने हैं, सुने, तो ये ट्रिक है, सीक्वेंस है, ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की, उसके बाद चीन की, उसके बाद पाकिस्तान की, उसके बाद नेपाल की, उसके बाद म्यांमार की, उसके बाद भूटान की, उसके बाद अफगानिस्तान की, आया। तो भारत के 7 पड़ोसी स्थलीय देश जिसमें सबसे लंबी सीमा किसका है, बांग्लादेश का, चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का, अफगानिस्तान का। इधर हम लोग 2 कौन कौन जानेंगे, 1 मालदीव और श्रीलंका। तो एक तो ये सवाल है, पहला क्लियर हुआ, पहला सवाल हम लोग जाने कि बाबू भारत के कौन कौन पड़ोसी देश है, तो 9 लिख दिए हम, ठीक है ना। और आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग का क्लास में वीडियो रिकॉर्ड भी मिल जाता है, जैसे आप क्लास लीजिएगा ना तो पूरा पढ़ा देंगे, और हर दिन का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो तब तक आपको रिकॉर्ड मिलते रहेगा, ठीक है ना। इनकेस कभी नहीं आ पाए तो देखिए, इसमें बच्चा लोग जुड़ा हुआ है जो घर से देख रहा है, जो नहीं आ पाया। तो अब इसमें एक सवाल और पूछता है कि किस देश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, जैसे बांग्लादेश के साथ भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है क्या, क्या नाम से जाने जाते हैं, रेड क्लिप, रेड क्लिप। चलिए बहुत अच्छा, सही बोली वो। अब देखिए ध्यान सुनिएगा,
आप सब सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। ये बांग्लादेश है, ठीक है ना। अब यहां पर जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान ये भी था, पाकिस्तान ये भी था। इन दोनों पाकिस्तान के लिए जो सीमा बनाया गया था उसका नाम है रेड क्लिफ। तो परंतु जब भारत बांग्लादेश आजाद हो गया तो अब रेड क्लिफ तो रहा नहीं, तो भारत और बांग्लादेश के साथ अभी कोई अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री नहीं है। रेड क्लिफ है, था, है नहीं है, था, क्योंकि ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान था। क्लियर है। जब पाकिस्तान का सीमा निर्धारण हो रहा था, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो ये दोनों जब निर्धारित हो रहा था तो बांग्लादेश को भी रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता था। परंतु अब के समय में भारत की वजह से आजाद हुआ, तो आजादी के बाद बांग्लादेश जब आजाद हुआ उसके बाद उसके बीच में कोई सीमा नहीं है। इसको 0 माइल कहते हैं, 0 माइल के नाम से जानते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं होने के कारण भारत में बांग्लादेश क्यों का प्रवेश हो जाता है। आज भी आप लोग सुनते नहीं है कि बहुत जगह बांग्लादेशी आके घुस गया है, क्योंकि वो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। बहुत पाकिस्तानी कोई आ जाए ना तो बम बारूद चलने लगेगा। जैसे सीमा हैदर है तो दुनिया जान गया, अरे पाकिस्तान से आई है, यहां से गया तो हल्ला हो गया। मगर बांग्लादेशी आके चुपचाप बैठा रहेगा तो पता नहीं पता चलेगा, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के साथ कोई बहुत टाइटली एग्रीमेंट नहीं है कि हम सीमा टाइट करेंगे। पहले था, अब नहीं है। तो इसको 0 माइल के नाम से भी जाना जाता है या रेड क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों हम लिख देते हैं, रेड क्लिप या 0 माइल। क्लियर है यहां तक। चलिए चीन के साथ, फिर अफगानिस्तान बच रहा है, अफगानिस्तान लिखे हैं कहीं ना, तो अफगानिस्तान वाले पहले चीन बता दे कि अफगानिस्तान बताएं। चीन के साथ बताओ सखी। मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहाँ है। जब भारत और चीन का जब सीमा था ना, उस समय भारत और चीन का सीमा केवल अरुणाचल प्रदेश में लगता था और कहीं नहीं लगता था। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत और चीन का सीमा केवल कहाँ लगता था, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो पूरा तिब्बत था ना, नेपाल के ऊपर में तिब्बत था। जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया चीन तो भारत का सीमा सब जगह लगने लगा। बस समझ में आ रहा मेरा। पहले जब आजाद हुआ था तो केवल अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा मैकमोहन रेखा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। किन देशों के साथ है, भारत और चीन का अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। चलिए पाकिस्तान हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन, रेड रेड क्लिफ और एक और है, इसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जब भारत ये गुजरात से लेके यहां तक तो रेड क्लिफ चला, इसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हो गया। तो जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मंच द्वारा बोला गया, भैया तुम लोग जहां है वहीं पर खड़ा रहो, हम आते हैं निर्णय करते हैं। मैटर क्या हुआ था कि जब भारत का अधिग्रहण हो रहा था, भारत जब बन रहा था ना, तो ये जम्मू कश्मीर था बोलता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। जम्मू कश्मीर बोला हम स्वतंत्र रहेंगे। तो यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे और जो जनता था क्या था, मुस्लिम था। तो जब जनमत संग्रह का बात आया तो हमारे सरदार पटेल जो लौह पुरुष थे, इनको हरि सिंह को उठा के ले आते हैं और विलय पत्र पर साइन करा देते हैं, विलय पत्र पर साइन करा देते हैं। इस कारण पाकिस्तान की सेना भी जम्मू कश्मीर में घुस गई और भारत की भी सेना कहाँ घुस गई, जम्मू कश्मीर में। तो दोनों के बीच में लड़ाई को नियंत्रित करने के लिए एलओसी डाला गया। तो दो रेखा है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिप भी है, एलओसी भी है। सबको क्लियर हो रहा है। अगला चलते हैं, नेपाल के साथ भारत का कोई सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, नहीं। नेपाल भाई 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 हम लोग हैं, हम मुंह उठा के नेपाल चल जाओ, नेपाल वाला इधर आ जाओ, भाई भाई कोई सीमा मा नहीं है। जब भी मन करे चले जाओ नेपाल घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो नेपाल में कोई सीमा हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको छोटा भाई मानते हैं, मगर छोटा भाई खंजर भोगता है, रावण का मारने में उसका भाई है, योगदान है। तो हम लोग को अगर कहीं भी नुकसान पहुंचा रहा था ये नेपाल कर रहा है। कभी चीन के साथ मिल जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ मिल जाता है, लटरपटर कर रहा है। तो ये एक समस्या है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा है, इसको दो नाम से जानते हैं, अराकान, बहुत सुंदर, योमान। कौन बोला, तुम, अराकान योमान, और दूसरा है कोको, कोको जल संधि, कोको जल संधि। दो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन कौन, कोको जल संधि। आप म्यांमार में घुस सकते हैं क्या,
नहीं, ये दोनों सीमा आपको टाइटली हैंडल करता है। भारत और म्यांमार के साथ अच्छा संबंध नहीं है, इसलिए। भूटान के साथ क्या है, सीमा है? नहीं, भूटान हम लोग भाई भाई, छोटा भाई हम लोग मानते हैं इसका। भूटान का कोई सेना नहीं है, भारत सेना भेजता है कि जाओ सेना। अभी चीन जब भूटान पर भी अधिकार करने का कोशिश कर रहा था तो भारतीय सेना लड़ा था वहां पर, ठीक है ना। तो इसके साथ भी नहीं, अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ हम लोग अच्छा संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सीमा है बताओ साक्षी, कौन सा सीमा है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है ना। भारत और अफगानिस्तान के साथ में कौन है, तो डूरंड रेखा। आज किताब में पढ़िएगा तो डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान दिखाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिखाएगा। मेरा सब बात क्लियर है? आज के समय में, पहले जब डूरंड रेखा बना था ना तो पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, बात समझे ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत का यही सीमा है, ये अफगानिस्तान है ये अफगानिस्तान है, क्लियर। भारत अफगानिस्तान से यहां से एक सीमा गया था, इसको कहते हैं डूरंड रेखा, ऐसे से गया है। परंतु पाकिस्तान बन जाने के कारण आज के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा को कहते हैं डूरंड रेखा, और भारत का छोटा सा सीमा बनता है उसको भी कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बंद में है? भारत पाकिस्तान, भारत बार रहे अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान, बाउंस कर रहा है, वापस आए। फिर से सुनो, जब भारत और अफगानिस्तान का सीमा बन रहा था ना, उस समय पाकिस्तान हम लोग के साथ था, हम लोग के साथ था। तो पाकिस्तान साथ था तो पाकिस्तान के साथ ना लेके बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इसको कहते हैं डूरंड रेखा। आज के समय में केवल 72 किलोमीटर भारत के पास है, बाकी सब चला गया पाकिस्तान के साथ। तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में है आज का समय में, मगर भारत और अफगानिस्तान के बाद बीच में भी 72 किलोमीटर का रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। कोई दिक्कत? चलिए अगला, मालदीव के साथ कौन सा सीमा है? मालदीव के साथ नहीं, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। और श्रीलंका के साथ कौन है? पाक चैनल। पाक चैनल, क्लियर है? इतना अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसको याद रखना बेटा। भारत के 9 पड़ोसी, 9 पड़ोसी के साथ दिखा दिया आपको कौन कौन सा सीमा है। बांग्लादेश के साथ है रेड क्लिफ या 0 डिग्री, चीन के साथ है मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ है रेड क्लिफ या LOC, नेपाल के साथ कोई सीमा नहीं है, म्यांमार के साथ है अराकान योमान या कोको चैनल, भूटान के साथ कोई सीमा नहीं है, अफगानिस्तान के साथ है डूरंड रेखा, और मालदीव के साथ है 8 डिग्री चैनल, श्रीलंका के साथ है 9 डिग्री सॉरी पाक चैनल, पाक जल संधि, क्लियर है? तो ये आप लोग बना लीजिए, उसका लिखाते हैं। आज हम लोग का ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया ना,
चलिए लिखिए लिखिए, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 पड़ोसी देश, जिसमें 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा के साथ लगे हैं, 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा के साथ लगे हैं, जबकि 2 पड़ोसी देश सागरीय सीमा से लगे हैं, 2 पड़ोसी देश सागरीय सीमा से लगे हैं। स्थलीय सीमा में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता था, परंतु वर्तमान में इसे जीरो माइल या जीरो डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, चलिए अगला, चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो जो
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना कि पूछा गया सवाल एसएससी सीजीएल में कि मैकमोहन कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। चीन का सीमा बहुत दूर तक है, मगर मैकमोहन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अगला लिखेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ कहते हैं, रेडक्लिफ कहते हैं, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ कहते हैं, जो गुजरात में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, जबकि एलओसी, एलओसी जम्मू में स्थित है, जबकि एलओसी जम्मू में स्थित है, एलओसी जम्मू में स्थित है, ठीक है ना। तो बाकी सब सिंपल है, जहां पर कुछ खास था वो हम लिखा दिए, ठीक है ना। बाकी सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में, अगला चैप्टर है, उसके पहले हम टेस्ट चालू कर दें, एक चैप्टर के ले लें।